फतेहपुर के गाजीपुर थाने की पुलिस ने चोरी की एक दर्जन से अधिक मोटरसाइकिल के साथ दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर के जरिए पुलिस को जानकारी मिली थी कि इंद्रो नहर पुलिया के पास दोनों शातिर कहीं जाने की फिराक में हैं। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दोनों को हिरासत में लिया और सख्ती के साथ पूछताछ की तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। गिरफ्त में आए चोरों ने बताया कि वो आसपास के जिला बांदा, कौशाम्बी और फतेहपुर से बाइक चोरी करके नंबर प्लेट बदलकर बेच दिया करते थे। एसपी राजेश सिंह ने मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गाजीपुर पुलिस को बधाई दी और कहा कि इस खुलासे के बाद बाइक चोरी की वारदातों में कमी जरूर आएगी। पकड़े गए दोनों शातिरों के ऊपर महाराष्ट्र और कुछ जिलों में बाइक चोरी के मामले दर्ज हैं। थाना गाजीपुर पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है आज। इसमें दो शातिर चोरों को, बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। एक इनका साथी फरार हो गया है, उसको भी हम शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। यह एक अंतर राज्य गिरोह है। इन्होंने महाराष्ट्र से भी मोटरसाइकिल चोरी की है। अभी तक 4 मोटरसाइकिल हमारी कनेक्ट हो गई हैं और यह भी पता चला है कि मध्य प्रदेश से भी काफ़ी गाड़ियां चोरी करके लाए हैं। चेसिस इंजन नंबर हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है, इससे हम लोग ट्रेस कर लेंगे कहाँ कहाँ की गाड़ियाँ हैं। इस गैंग के ऊपर हम गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे और पुलिस टीम को हमारी तरफ से इसमें नगद इनाम प्रोत्साहन वर्धन के लिए 15,000 रुपया भी दिया जा रहा है।